तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि वेलोसिटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर प्लांक्स एंड प्लांक्स आर चूजर फंडामेंटल देन डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। देखो वैसे तो फंडामेंटल जो 7 थे प्लस 2 सप्लीमेंट्री थे वो उनके टर्म में तो हम लिखते थे, लेकिन अब ये नया सिस्टम आप यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने फंडामेंटल को ही चेंज किया। तो इसके जो करने का तरीका है वो यही है कि मास को मैं लिख देता हूँ। मास किस पे डिपेंड किया है? मास डिपेंड किया है लाइट की स्पीड सी पे, तो लाइट की स्पीड सी पे सी लिख देता हूँ, उसकी पावर ए चढ़ा देता हूँ, फिर कैपिटल जी और इसकी पावर बी कर देता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट एच इसकी पावर सी कर देता हूँ। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले इक्वेशन में ये पूरा मास एम के बराबर है, तो इस वाले इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू ला के रखना है और इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले सी कैपिटल जी और एच की यूनिट डायमेंशनल फार्मूला तो निकालो। तो सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन। जी ग्रेविटेशनल को स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर होता है, तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा जी आर स्क्वायर अपन एम। तो जी क्या है? एक्सलेशन, एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन का होता है एल टी माइनस टू, रेडियस एल का स्क्वायर और मास का एम रहा, तो ये रहा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। ठीक है, तो एम एल की पावर ये वाली, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो एनर्जी ई अपॉन न्यू आ जाएगी, तो न्यू टाइम पीरियड होता है, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और टाइम पीरियड का टी, तो कुल मिला के ये बना एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू माइनस वन। तो ये कुल मिला के इन ये सारे डायमेंशनल फार्मूला तो हमें पता चल गए। तो अब इन सबको मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये सारी जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो अगर ये सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो फिर क्या मिलेगा, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ तो ये इक्वेशन मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। तो इधर मास था, तो मास एम एल नॉट टी नॉट एक साइड, और इधर मैं सी की वैल्यू रखता हूँ, तो सी की एल टी माइनस वन की पावर ए, ठीक है, और इधर मैं कैपिटल जी की वैल्यू एम की पावर माइनस वन, एल की पावर क्यू और टी की पावर माइनस टू, ये वाला रहा बी। और इधर तुम देखोगे एम एल का स्क्वायर और टी की पावर माइनस वन और ये रहा सी, तो कुल मिला के ये, अब एम एम को एक पास करो, एल एल को एक पास करो, तो यहाँ से एल की जो पावर आएगी, एल की इधर ए है और इधर थ्री टाइम्स बी है और इधर प्लस टू टाइम्स सी है, तो ए एम की, देखो एम की पावर अगर देखोगे तो एम की पावर यहाँ से आ जाएगी सी माइनस बी, तो और टी टी की पावर अगर तुम यहाँ देखोगे तो टी की पावर माइनस ए और माइनस टू बी माइनस सी, तो टी की पावर माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी। अब इनका दोनों साइड पावर कंपेयर करोगे, इधर है एम बाकी सब जीरो जीरो है, तो अगर जो इक्वेशन बना उस इक्वेशन को पहले हम यहाँ लिखेंगे फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस थ्री टाइम्स बी प्लस टू सी की वैल्यू जीरो बनी और एम की पावर वन है, तो सी माइनस बी इज इक्वल टू वन आ गया इक्वेशन। और यहाँ से ए इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है, और इक्वेशन माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी इन सब की वैल्यू आ जाएगी भाई, इधर टी की पावर जीरो था इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब एक काम करते हैं, यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो वन प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, तो पहले वाले में अगर इसको रखोगे सी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा वन प्लस थ्री टाइम्स बी प्लस टू टाइम्स
सी की वैल्यू रखोगे तो 1 + b दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 3 टाइम्स बी, 1 + कितना टाइम्स बी हो जाएगा, तो ए ए प्लस 3 टाइम्स बी और मतलब 5 टाइम्स बी इज इक्वल टू -2। तो ए एक इक्वेशन अभी मैं यहाँ ऐसे ही रहने देता हूँ ये वाला, तो ए प्लस बी में एक इक्वेशन बन गया। अगेन सी की वैल्यू पुट दिस, इस सी की वैल्यू इसमें रखे, अब इस सी की वैल्यू इसमें रखो तो -a -2b और -c की वैल्यू आ जाएगी 1 + b दैट इक्वल टू 0। तो -a -2b और -1 और -b इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -a और -3 टाइम्स b -1 इक्वल टू 0, मतलब ये आ जाएगा -a -3 टाइम्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन -a - इज इक्वल टू 1, तो ये बेसिकली इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब ये जो इक्वेशन ए बी में है वो इक्वेशन वॉट एवर, इसको 5th कर दो, इसको 6th कर दो। तो इन दोनों को ऐड करके ए और बी की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो सीधे मुझे बी दिखेगा, मतलब 2 टाइम्स बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी, मतलब बी की वैल्यू -1/2। तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और अगर बी की वैल्यू -1/2 आ जाएगी तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। और अगर सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो ए की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। तो इस हिसाब से जो अपना फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि जो मास है, यहाँ मास मास इज इक्वल टू सी की पावर ए था और कैपिटल जी की पावर बी था, एच की पावर सी था, तो सी की पावर 1/2, कैपिटल जी की पावर -1/2, प्लैंक्स कांस्टेंट 1/2। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाता है। तो देखो, तो यहाँ से तुम देखोगे द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।